हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बेसन का हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए तो बिना देर किए बेसन के हलवे की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक पैन और इस पैन में करीब 60 ग्राम देसी घी ऐड करना है। इसी घी में से हम एक चम्मच घी बचा कर रखेंगे, इसे हम बाद में ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम लो मीडियम कर देनी है और घी को मेल्ट होने देना है। घी अभी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर 150 ग्राम बेसन ऐड कर लिया है। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मार्केट वाला ही फाइन वाला बेसन लिया है। मार्केट का जो बेसन होता है काफ़ी फाइन होता है, इसीलिए हलवे को दरदरा टेक्सचर देने के लिए हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सूजी ऐड करेंगे। सूजी बारीक या मोटी आप कोई भी ले सकते हैं। बेसन का टेस्टी हलवा बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है बेसन और सूजी को अच्छी तरह से रोस्ट करना। इसके लिए हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो मीडियम करना है और बेसन को इसी तरह से जल्दी जल्दी स्टिर करते रहना है। जब बेसन घी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है तो इसमें इस तरह के लम्ब्स बन जाते हैं। अब इस बेसन को अच्छी तरह से रोस्ट करने के लिए आप इसे जल्दी जल्दी स्टिर करते रहें और इसे टाइम टू टाइम आप इस तरह से प्रेस करते रहें ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो सके। अभी बेसन को रोस्ट करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं अब बेसन की कंसिस्टेंसी पहले से थोड़ी चेंज हो चुकी है। बेसन को रोस्ट करते हुए गैस की फ्लेम को कभी भी हाई ना करें। ऐसा करने से बेसन का कलर तुरंत ही चेंज हो जाएगा, लेकिन बेसन और सूजी अंदर तक अच्छी तरह से रोस्ट नहीं हो पाएंगे, जिससे हलवे का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और कच्चे बेसन और सूजी से बना हुआ हलवा अनहेल्दी भी होता है। अभी बेसन को रोस्ट करते हुए 2 मिनट और हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पहले के कंपैरिजन में चेंज हो चुकी है, लेकिन अभी इससे अच्छी खुशबू नहीं आ रही है, इसीलिए अभी हम इसे थोड़ी देर तक और रोस्ट करेंगे। अब बेसन को रोस्ट करते हुए टोटल 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बेसन का कलर भी बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। बेसन का हलवा बनाते समय इसमें पानी ऐड करने से लम्ब्स बन जाते हैं। इसके लिए पहले आप इस तरह से इसमें शुगर ऐड करें। मैंने यहाँ पर 75 ग्राम शुगर ली है। मैंने यहाँ पर 150 ग्राम बेसन लिया था, इसीलिए बेसन की आधी क्वांटिटी की मैंने शुगर ऐड की। शुगर ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को लो रखें और आप इसे बेसन के साथ बराबर इसी तरह से स्टिर करते रहें। बेसन में बहुत हीट है, इस हीट से शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाती है। शुगर अभी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3/4 कप पानी। पानी की क्वांटिटी को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा ड्राई हलवा पसंद है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम बेसन में केवल 3/4 कप पानी ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पर 1 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और बराबर इसे इसी तरह से स्टिर करते रहेंगे। अब इस हलवे को तब तक पकाना है जब तक कि ये पैन से सेपरेट ना होने लगे। अभी हलवा पैन से सेपरेट होने लगा है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। जब हलवा इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तब गैस की फ्लेम को लो कर देना है और अब इसमें ऐड करेंगे बादाम। बादाम को मैंने यहाँ पर फाइन चॉप करके लिया है। बढ़िया से फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इलायची। ये मैंने 5 इलायची को क्रश करके लिया है। हलवे को बढ़िया से साइन देने के लिए जो कि हमने बचा कर रखा था उसे अब इस स्टेज पर ऐड करना है। लास्ट में इस तरह से घी ऐड करने से बेसन के हलवे में बहुत बढ़िया साइन आती है। अब इन सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हलवा बनाने के लिए मैंने सभी चीज़ों को ग्राम में मेज़र करके लिया है। आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को घर पर अवेलेबल बॉल या फिर कप से मेज़र करके भी ले सकते हैं। बेसन का बहुत ही बढ़िया हलवा बनकर तैयार हो चुका है।